عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم मोहतरम हाजरीन इकराम, आप हजरात को याद होगा कि पिछली जुमा मैंने आपके सामने हमारे आका ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुश्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत व सआदत और आपके अय्याम रज़ात से मुतालिक बास रिवायतों को अर्ज किया था। आपने सुना कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो साल तक हजरत हलीमा सादिया की परवरिश में रहे। जब दो साल मुकम्मल हो गए तो हजरत हलीमा सादिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्कतुल मुकर्रमा में आपकी वालिदे माजिदा हजरत आमिना के पास पहुंची और इस बात की दरख्वास्त की कि मैं चाहती हूं कि इस वक्त मक्कतुल मुकर्रमा में बहुत सारी वबाएं फैली हुई हैं, बीमारियां फैली हुई हैं, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश ये है कि कुछ और दिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ रहें, हमारे घर में परवरिश पाएं। उस वक्त हजरत हलीमा सादिया के घर में कुल छह अफराद रह रहे थे। एक तो हजरत हलीमा सादिया, दूसरे आपके शौहर हजरत हारिस थे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई भाई हजरत अब्दुल्ला रह रहे थे और हजरत हलीमा सादिया की तीन बेटियां, एक का नाम अनीसा था और दूसरा का नाम जुदामा था और तीसरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजाई बहन थी शीमा। ये कुल छह अफराद हजरत हलीमा सादिया के घर में रह रहे थे। जब हजरत हलीमा सादिया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फिर दोबारा ले जाने की दरख्वास्त हजरत आमिना से की तो हजरत आमिना ने खुशी खुशी इजाजत मरहमत फरमा दी कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर फिर आप कबीले बनू साद में ले जाएं और वहां इनकी मजीद परवरिश करें तो मुनासिब होगा। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मेरी खुशी का ठिकाना न रहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनकी वजह से हमारे घर में बरकत आई, हमारे रिस्क में बरकत आई, इतना ही नहीं पूरा कबीले बनू साद के घरों में बरकत फैल गई। अब फिर आपकी तशरीफ आवरी ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है। जब हजरत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पहुंची तो आपके रजाई भाई हजरत अब्दुल्ला और शीमा का ठिकाना न रहा खुशी का। वो कूदते रहे, उछलते रहे और खुशी से अलग अलग बातें अपनी जबान से अलग अलग अल्फाज में कुछ बातें कह रहे थे। अब बड़े ही हसीन व जमील अय्याम ये गुजर रहे थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी आपके रजाई भाई हजरत अब्दुल्ला के साथ और आपकी रजाई बहन हजरत शीमा के साथ। रिवायतों में आता है कि हजरत शीमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी थीं, तो इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर खिलाया भी करती थी। अब जब हुजूर बड़े हो गए, दो साल से कुछ ज्यादा महीने भी हो गए थे, तो हजरत अब्दुल्ला और शीमा
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर चराहगा तशरीफ ले जाते और वहां बकरियां चराया करते थे। इसी तरह से अय्याम बड़ी खुशगवारी में गुजर रहे थे। एक दिन वो आया कि हजरत अब्दुल्ला और शीमा हस्ब मामूल बकरियां चराने के लिए हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लेकर निकले। अब क्या देखते हैं कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठे हुए हैं और दो फरिश्ते आसमान से इंसानी शक्ल में तशरीफ लाए और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दरख्त के नीचे लिटा दिया और लिटा कर आपका सीने मुबारक चाक किया। जब इन चीजों पर हजरत अब्दुल्ला की और शीमा की नजर पड़ी तो बड़े परेशान हो गए, खौफ ज्यादा हो गए, इसलिए कि वो भी बच्चे थे कि क्या हो रहा है। तो ये समझ गए कि कहीं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल तो नहीं कर दिया गया है। इसलिए चीखते हुए, चिल्लाते हुए, दौड़ते हुए अपनी माँ हजरत हलीमा सादिया के पास पहुंचे और पहुंचकर अर्ज करने लगे, ऐ माई, ऐ माई, हमारे कुरैशी भाई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो शख्सों ने एक दरख्त के नीचे लिटा के सीना चाक कर दिया है, हमें बहुत डर हो रहा है। हजरत हलीमा सादिया भी बड़ी घबरा गई, इसलिए कि यह कुरैश की अमानत थी और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बे इंतहा मोहब्बत करती थी। जैसे ही अपने बच्चों से ये बात सुनी, अपने शौहर को भी पुकारा, अपने आस पास रहने वालों को भी पुकारा और पुकार कर दौड़ती हुई उस जगह पर पहुंची जिस जगह पर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। क्या देखती हैं हजरत हलीमा सादिया कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुकून के साथ उस दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा है। हजरत हलीमा सादिया फिर दौड़ती हुई हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से चिमटाती हैं और आपकी पेशानी मुबारक को बोसा देती हैं और प्यार से और सुकून के साथ, कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान न हो जाएं, इसलिए बड़े प्यार के साथ पूछती हैं, ऐ बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वाकया पेश आया, क्या हुआ? हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं मेरी माँ के पूछने पर वो सारी बातें बयान किया कि कहा कि मुझे दो शख्स आए और एक शख्स ने मुझे लिटाया और एक शख्स के हाथ में एक तबक था और कुछ चीजें उसमें रखी हुई थी और मेरे सीने को यहां से लेकर नाफ तक उन्होंने काटा और काट के अंदर से चाक किया और चाक करके अंदर से कुछ चीज को निकाला, इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त मालूम नहीं था, तो कुछ चीज को निकाला और निकाल के उसको उन्होंने धोया और कुछ चीजें अंदर दाखिल कर दिए, दाखिल करके उन्होंने फिर दोबारा मेरे सीने को बराबर करके वापस चला गए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उन दो शख्सों ने जो मेरे साथ इस तरह का काम किया, इसकी वजह से न मुझे कोई तकलीफ हुई, न कोई परेशानी हुई, न मुझे दर्द हुआ, मैं बस इत्मीनान के साथ लेटा रहा और उन्होंने अपना काम अंजाम दिया, मुझे इससे कोई तकलीफ नहीं हुई। हजरत हलीमा सादिया ये सारे वाकये को सुनकर बड़ी परेशान सी हो गई और ये सोचने लगी कहीं शयातीन का और जिन्नात का साया तो नहीं हो गया है कि इसकी वजह से इस तरह का वाकया पेश आया है। तो हजरत हलीमा सादिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पहुंचती हैं। हजरत शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैहि सूरह अलम नशरह की तफसीर में लिखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शख्स के सदर का वाकया आपकी जिंदगी में कुल चार मरतबा पेश आया था। आपकी जिंदगी में शख्स के सदर का जो वाकया पेश आया था वो चार मरतबा पेश आया था। एक मरतबा तो ये दो साल और कुछ अरसे के बाद और दूसरा वो मौका था
जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौजवानी की सीढ़ी पे कदम रख रहे थे, उस मौके पर भी दो फरिश्ते आए और आपके सीने मुबारक को चाक किया और आपके अंदर से वो सारी चीजें निकाल दिया जो और नौजवानों में रहती हैं कि कहीं दूसरी तरफ न जाए, तो इसलिए वो सारी चीजों को निकाल कर अल्लाह तबारक व ताला ने आपका शक्त सदर फरमाया। और तीसरी दफे उस वक्त जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह तबारक व ताला वही नाजिल फरमाने वाले थे, इसलिए कि वही मामूली चीज नहीं है, ये बहुत ही वजनी चीज है। अल्लाह तबारक व ताला खुद इरशाद फरमाते हैं, लव अंजलना हाजल कुरान अला जबल लराईतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, अगर हम इस कुरान को किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो कुरान ये पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, वो बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं रखता। अल्लाह तबारक व ताला एक और सूरत में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आप पर बड़ा वजनी कलाम उतारा है। ये मामूली कलाम नहीं, इसलिए इस कलाम को संभालने के लिए कुव्वत दरकार थी। अल्लाह तबारक व ताला ने उस कुव्वत को अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में भर दिया। तो एक वो था मौका, और चौथा मौका वो था कि जब अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सफर मेराज में आसमानों की सैर कराना अल्लाह तबारक व ताला ने पहले ही तय कर दिया था। अब आपको आसमान पे जाना था और वहां के पूरे हालात को देखना था, नबियों से बात करना, फिर अल्लाह के सामने हाजिर होना, ये सारी चीजें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पेश आने वाली थी। तो आपके वहां जाने से पहले फिर दोबारा सीना चाक किया गया और आपके सीने मुबारक के अंदर वो सारी कुव्वत अल्लाह तबारक व ताला रख दिया कि अब आप आए बगैर किसी। जैसा कि आज के जमाने में तो ये समझना बड़ा आसान है कि दिल में कोई परेशानी आ गई या अंदर पेट के अंदर कोई परेशानी आ गई तो आराम से सीना चाक कर देते हैं, पेट चाक करके ऑपरेशन करके वो सारी चीजों को पाक कर देते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन भी उस निशान को देखा था कि जिस चाक करने की वजह से और सीना मुबारक को जमाने की वजह से जो निशान पर गया था उसको भी सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने देखा था। ये कुल चार मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अब आपके हयात तय्यबा में पेश आए थे। हजरत हलीमा सादिया फरमाती हैं कि मैं हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर ले आई और मुझे बड़ी परेशानी भी हो रही थी कि कहीं ये आप पर जिन्नात का और शयातीन का साया तो नहीं हो गया है, इसलिए मैं एक काहिन के पास ले आई और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो सारे वाकये को बयान किया। तो उसने कहा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इन पे शयातीन और जिन्नात का कोई साया तो नहीं है, लेकिन ये सईदुल कौनैन हैं, बल्कि ये दोनों जहां के सरदार होने वाले हैं, तो इसलिए इनके साथ इस तरह का वाकया पेश आया है, आप इनकी हिफाजत कीजिए। ये कहकर उसने भेज दिया। अब हजरत हलीमा सादिया को बड़ी फिर भी परेशानी हो रही थी कि क्या किया जाए। इतने में क्या देखते हैं कि यहूद की एक जमात का हजरत हलीमा सादिया के घर पर से गुजर हो रहा था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और आपके रजाई भाई बहने वहां खेल रहे थे घर के सामने। यहूद का वो जो काफिला गुजर रहा था, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब नजर पड़ी तो फौरन वहीं रुक गए और हजरत हलीमा से पूछने लगे कि क्या बता सकती हैं इस बच्चे के सिलसिले में। कि हजरत हलीमा खुशी खुशी बयान करने लगी, जो सवाल पूछते गए वो बयान करती गई, इसलिए कि हजरत हलीमा सादिया देखती रही अपनी जिंदगी में और पूरी चीजों को वो बयान करते गए। अब यहूद आपस में तस्किरा कर रहे थे कि हमें लगता है कि ये नबी आखिरुज़्ज़मा है,
अब ऐसा लग रहा है कि नबुव्वत यहूद से निकलकर कुरैश में मुंतकिल हो गई है, तो इसलिए हमारे लिए जरूरी होगा कि अभी इस बच्चे को कत्ल कर दिया जाए, नऊज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। अब हलीमा सादिया चौंक गई, इसलिए कि उनकी गुफ्तगू सुन रही थी तो चौंक गई। फिर यहूद में से किसी एक यहूदी ने यह सवाल किया हजरत हलीमा सादिया से, यह आखिरी सवाल था, पूछने लगा कि क्या इसका बाप जिंदा है, क्या इसका बाप जिंदा है। हजरत हलीमा सादिया अब हुशार हो गई थी, कहने लगी जी हाँ इसका बाप जिंदा है और बाप ये है, और इशारा कर दिया अपने शौहर की तरफ, इसलिए कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रजाई बाप थे। अब यहूद कहने लगे कि जब इसका बाप जिंदा है तो अब ये तो नबी आखिरुज़्ज़मा हो नहीं सकते, इसलिए कि हमारी किताबों में लिखा गया है कि जो नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाएंगे कि वो यतीम तशरीफ लाएंगे, जिनके दुनिया में तशरीफ लाने से पहले वो यतीम हो जाएंगे, ये हमारी किताबों में लिखा गया है, इसलिए नबी आखिरुज़्ज़मा हो नहीं सकते। इसलिए वो आगे बढ़ गए। अब हजरत हलीमा सादिया तो और ज्यादा हैरान वो परेशान हो गई। अब मुनासिब यही समझा कि कुरैश की इस अमानत को उनकी वालिदा के हवाले कर दिया जाए और हजरत अब्दुल मुतल्लिब के हवाले कर दिया जाए। तो इस इरादे से हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर हजरत बीबी आमिना की खिदमत में पहुंची। हजरत बीबी आमिना ने पूछा, ऐ हलीमा क्या किस्सा है, आप तो खुद दरख्वास्त करके ले गई थी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इतना जल्दी वापस लेकर आ गई। हजरत हलीमा सादिया ने अपने वही डर का इजहार किया कि मुझे ये अंदेशा है कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शयातीन का और जिन्नात का साया तो नहीं हो गया है, इसलिए कि मुख्तलिफ वाकिए जुहूर हो रहे हैं, मैं मुझे डर हुआ तो इसलिए मैं आपकी अमानत को आपके हवाले करने के लिए आई। हजरत आमीना ने फरमाया, ऐ हलीमा परेशान होने की जरूरत नहीं है, जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे शिक में मादर में पल रहे थे, परवरिश पा रहे थे, मैं तो उस वक्त से ही बड़े अजीब अजीब वाकियात को देख रही थी, मुझे ये कोई परेशानी की बात नहीं है, आप सुकून से तशरीफ ले जाइए। हजरत हलीमा सादिया चला गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अब इसके बाद मैं हजरत आमीना के परवरिश में, मेरी वालिदा माजिदा की परवरिश में पलता रहा, फूलता रहा और बड़ा होता रहा। इसके दरमियान में एक मैं और बात आपसे अर्ज करना चाहूंगा, आप इसे तवज्जो से सुनिए। हजरत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक्दस में एक मरतबा पहुंची। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के दरमियान में तशरीफ फरमा थे। जब आपकी मां को आते हुए देखा, हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए, अपने मां के इकराम में एजाज में खड़े हो गए। जब मां आई तो अपने खांदे से चादर निकाला, नीचे बिछाया और बिछा के कहा, ऐ माई ऐ माई ऐ माई यहां तशरीफ रखिए, ऐ मेरी मां ऐ मेरी मां ऐ मेरी मां इस पर तशरीफ रखिए। हजरत हलीमा सादिया उस पर बैठती हैं। अब फिर गुफ्तगू होती है और जब वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत से रुखसत होना चाह रहे थे तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इतना नवाजा, इतना नवाजा कि कोई बेटा अपनी मां को इतना नवाज नहीं सकता, इतना ख्याल किया, इतना इकराम किया, ये हमारे लिए एक लम्हे फिक्रिया की हैसियत रखता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, लकद कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर वज़क्कर अल्लाह कसीरा। अल्लाह तबारक व ताला ने तुम्हारे रसूल हजरत मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बेहतरीन उस्वे हसना रखा है, अगर आप चाहो तो आपकी जिंदगी को देखो, उस पर अमल करो तो तुम्हारी जिंदगी भी नूरानी जिंदगी बन जाएगी। लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर,
یہ اسوہ حسنہ، یہ بہترین نمونہ، یہ پاک حیات طیبہ ان لوگوں کے لیے ہے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آخرت پر اور اللہ پر ایمان نہیں رکھتے تو کوئی وہاں ان کے لیے کیسے اسوہ حسنہ ہو سکتا ہے. ایک اور موقع پر آپ کی جو رضائی بہن حضرت شیما تھیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں قیدی بن کر تشریف لائی. ایک جنگ میں قید ہو گئی اور قیدی بن کر تشریف لائی. حضرت شیما نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کے فرمایا، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دے دیں کہ آپ کی رضائی بہن شیما قید ہو کر آئی ہیں، اس بات کی اطلاع دے دیں. جب صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی اطلاع دی تو فوراً صحابہ کو حکم دیا کہ فوراً انہیں میرے خدمت میں حاضر کیا جائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے پابند تھے، تو فوراً حاضر کیا. اب جب آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے یاد رکھا ہے یا بھول گئے؟ کیا میں یاد ہوں آپ کو یا بھول گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر کہنے لگی، شیما، بچپن میں ہم کھیلا کرتے تھے، کھیلتے کھیلتے آپ کے نشان، روایتوں میں اختلاف ہے کہ ہاتھ میں یا شانوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت کے نشان پڑے ہوئے تھے. وہ دکھانے لگی کہ دیکھو، آپ نے بچپن میں ہمارے ہاتھ پہ یہ نشان کر دیا تھا. اتنا کہنا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. آپ کی بہن کو دیکھ کر آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی آزاد کر دیا. اتنا ہی نہیں کیا بلکہ آپ کے رضاعت کے قبیلے والے، جو قبیلے بنو سعد کے لوگ قید ہو کے آئے تھے حضرت شیما کے ساتھ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تمام لوگوں کو آزاد کر دیا جائے، اس لیے کہ میرا بچپن اس قبیلے میں گزرا ہے اور انہوں نے میرا بڑا خیال رکھا تھا، اس لیے میں نہیں چاہوں گا کہ ان کو میں غلام بنا کر رکھیں، اس لیے تمام کو آزاد کر دیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو آزاد فرما دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 6 سال کا تھا، میں حضرت میری والدہ ماجدہ حضرت آمینہ کی پرورش میں تھا. میری والدہ نے اس بات کی خواہش ظاہر کی میرے دادا حضرت عبد المطلب سے کہ میں مدینہ ہو کر آؤں اور جہاں میرے والد ماجد حضرت عبداللہ کی خبر ہے اس کی بھی زیارت کر آؤں تو بہت ہی اچھا ہوگا، تو حضرت آمینہ بھی اپنے شوہر کی خبر کی زیارت کر لیں گی اور میں بھی میرے باپ کی خبر کی زیارت کر لوں گا. تو اس سلسلے میں حضرت عبد المطلب سے اجازت طلب کی تو حضرت عبد المطلب نے اجازت مرحمت فرما دی. تو حضرت بی بی آمینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آمینہ کی باندھی ام ایمن اور ایک قافلے کے ساتھ جڑ گئے اور مدینے کے لیے نکل پڑی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قافلہ مدینے کو پہنچا اور پہنچ کر 1 مہینے تک وہاں قیام کیا. اور قیام کرنے کے بعد جہاں آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عبداللہ جو حضور کے والد ماجد تھے، آپ ملک شام کے لیے تجارت کے سفر پر تشریف لے گئے تھے. واپسی میں جب مدینہ منورہ، اس کا نام پہلے یثرب تھا، جب وہاں پہنچے اور پہنچ کر ابوا کے قریب میں آپ کا وصال ہوا تھا، اسی جگہ میں حضرت آمینہ بھی پہنچی اور وہاں جب پہنچی تو یہ بھی بیمار ہو گئی. اب حضرت بی بی آمینہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی. پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے سے پہلے باپ کے سائے سے یتیم ہو گئے، اب ماں کا بھی انتقال ہو گیا.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे अच्छी तरह से याद है वो वाकया कि जब मेरी माँ इंतकाल हो गई थी और उनको खबर में दफन कर दिया गया था, मैं मेरी माँ की खबर से लिपट कर इतना रोया था जिसे देखकर मेरी माँ की लौंडी उम्मे ऐमन ने सीने से चिमटाया और मुझे तसल्ली दी थी और मुझे लेकर मदीनतुल मुनव्वरा से मक्कतुल मुकर्रमा पहुंची और मेरे दादा हजरत अब्दुल मुतल्लिब के हवाले कर दिया। अब उम्मे ऐमन जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुकून के साथ लाकर, इत्मीनान के साथ लाकर आपके दादा हजरत अब्दुल मुतल्लिब के हवाले कर दिया, तो अब हजरत अब्दुल मुतल्लिब की परवरिश में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और हजरत अब्दुल मुतल्लिब के दिल में जब से हुजूर पैदा हुए थे उस वक्त से अल्लाह ने आपके दिल में मोहब्बत कूट कूट कर भर दिया था, अपने पोते की मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई थी। जब आपकी परवरिश में आए तो हमेशा आपका ख्याल रखते थे। रिवायतों में आता है कि हजरत अब्दुल मुतल्लिब के लिए इसलिए कि ये मक्के के सरदार थे और काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे। जब काबतुल्लाह के मुतवल्ली थे तो जहां काबतुल्लाह का दरवाजा है उसके नीचे हजरत अब्दुल मुतल्लिब के लिए एक बिसात बिछाई जाती थी। बिसात यानी एक, जैसा कि हम कहते हैं कि एक शतरंजी, तो बिसात बिछाई जाती थी तो उस बिसात पे सिर्फ और सिर्फ हजरत अब्दुल मुतल्लिब बैठते थे, किसी और को बैठने की हिम्मत ही नहीं होती थी। सरदारा ने कुरैश और कबीले कुरैश आते अगर कोई झगड़ा हो जाए तो हजरत अब्दुल मुतल्लिब की खिदमत में पहुंचते और अपने फैसले कराते थे। हजरत अब्दुल मुतल्लिब की शान तो बड़ी निराली थी। अब एक मरतबा ऐसा हुआ कि हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल मुतल्लिब के साथ दौड़ते हुए आ रहे थे और दौड़ के आके उस बिसात पे बैठ गए। सरदारा ने कुरैश ने देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आके यहाँ बैठ गए हैं, तो इन्हें परेशानी हुई कि इसलिए कि ये तो जगह सिर्फ और सिर्फ अब्दुल मुतल्लिब की जगह है, यहाँ कोई और बैठ नहीं सकता। जब हजरत सरदारा ने कुरैश हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस बिसात से उठाने की तरफ आगे बढ़ रहे थे, हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने रोक दिया, नहीं इनको मत उठाना, इसलिए कि ये तो सैयदुल कौनैन वस्सखलैन है, ये तो दोनों आलम के सरदार होने वाले हैं, ये तो इस जगह पर बैठने के मुस्तहिक हैं, यहां से इनको मत उठाना। हजरत अब्दुल मुतल्लिब दूसरी तरफ बैठ गए। ऐसा ही चलता रहा। हजरत अब्दुल मुतल्लिब फरमाते हैं कि जब तक मेरा पोता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ न आ जाते उस वक्त तक मैं खाने के एक निवाले को भी अपने अंदर नहीं उतारता था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते तो मैं जब जाके खाना शुरू करता था। अब अल्लाह की जो मर्जी थी वो मर्जी से हम क्या कर सकते हैं, कौन उसे टाल सकते हैं। अल्लाह की मर्जियात और अल्लाह की हिकमतें अल्लाह जानते हैं। जब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल की उम्र को पहुंचे तो अब हजरत अब्दुल मुतल्लिब का ये घना साया जो था, साये आतिफत जो था, अब वो भी छट गया। हजरत अब्दुल मुतल्लिब ये अब दुनिया से रुखसत हो गए। रुखसत होने से पहले हजरत अब्दुल मुतल्लिब ने अपने बेटे हजरत अबू तालिब को अपने पास बुलाया कि देखो मैं मेरे पोते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम्हारी कफालत में दे रहा हूँ, तुम्हारी निगरानी में दे रहा हूँ, तुम इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खास ख्याल रखना, अपने बच्चों से ज्यादा इसे प्यार करना, इससे मोहब्बत रखना, इसलिए कि यह मामूली बच्चा नहीं है, इसका खास ख्याल रखना। अब हजरत अब्दुल मुतल्लिब भी रुखसत हो गए, हजरत अबू तालिब की परवरिश में आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं हजरत अबू तालिब की परवरिश में रहा। हजरत अबू तालिब के दिल में भी अल्लाह तबारक व ताला मेरे लिए बेपनाह मोहब्बत डाल दिया। हजरत अबू तालिब अपनी निगाह से कभी मुझे ओझल नहीं होने देते थे, हमेशा मेरी निगाह अपनी निगाह के सामने रखते थे कि कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चला ना जाए मेरी निगाह के सामने से और कोई वाकया पेश ना आ जाए और जिस बात का मैंने मेरे वालिद अब
अब्दुल मुतल्लिब से जिस बात का मैंने अहद किया है वो अहद शिकनी ना हो जाए, इसलिए हमेशा अपनी निगाह के सामने रखा करते थे। हजरत अबू तालिब कसीरुल अयाल थे, इसलिए कि इनके लिए बहुत ज्यादा औलाद थी। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी कफालत में आने से पहले मेरे लिए मेरे घर पर बड़ा फाका चलता था, हमारे लिए इतना खाना मयस्सर नहीं था कि सब पेट भरकर खा सकें, इतना खाना मयस्सर नहीं था। जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे साथ आ गए, दस्तरखान पर तशरीफ रखे और एक आदमी के लिए जितना खाना काफी हो सकता था इतना ही खाना था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से इतनी बरकत अता कर दी उस खाने में कि सारे मेरे बेटे भी पेट भर कर खाया और मैंने भी खाया और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पेट भर कर खाया और जरा बराबर भी कोई कमी नहीं पेश आई। अबू तालिब ने यह बात तय कर लिया कि अब हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर दस्तरखान पे बैठना ही नहीं। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि एक मर्तबा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ आराम फरमा रहे थे, इसलिए कि अपने ही साथ को रखते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ रखकर वो सोया करते थे। तो एक मर्तबा हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगे, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोते हुए आप अपने तहबंद को निकाल कर सो जाएं, आप सोते हुए अपने तहबंद को निकाल कर सो जाएं, इसलिए कि कहीं नींद के आगोश में गीला ना हो जाए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी चचा की इस बात को मैं इनकार नहीं कर सका, लेकिन मैं मेरे चचा से कहने लगा, अय चचा जान, आपकी बात मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो अबू तालिब ने पूछा, क्या बात है? कहा कि देखो, जब से मैं पैदा हुआ हूं उस वक्त से लेकर अब तक मेरे सतर पर किसी की नजर ही नहीं पड़ी, इसलिए आपके लिए जरूरी होगा कि जब मैं इस तरह का काम करूंगा, इस जैसा आपके हुक्म को मानूंगा, तो आपके लिए जरूरी होगा कि आप दूसरी जानिब पलट कर सोना होगा, मेरी तरफ पलट कर सो नहीं सकते, ये शर्त मंजूर हो तो मैं आपकी बात मान लूंगा। हजरत अबू तालिब ने फरमाया, भतीजे, आपके सतर के सिलसिले में आप इतने हसास हो तो आप चादर आप अपने तहबंद को निकाल कर सोने की जरूरत नहीं, आप ऐसा ही सो जाइए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया के पैकर थे, बेहयाई बचपन से लेकर आप दुनिया से रुखसत होने तक कभी कोई दुश्मन इस्लाम ये नहीं कह सकता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पहलू से ऐब झलकता है या इस पहलू में ऐब झलकता है, कोई दुश्मन इस्लाम ये नहीं कह सकता। मैं पूरे दावे के साथ ये बात कह सकता हूं आपके सामने, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी इतनी पाकीजा जिंदगी थी कि कोई ये ऐब नहीं लगा सकता। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी रवां दवां थी। अब एक मर्तबा हजरत अबू तालिब तिजारत की गर्ज से मुल्क शाम के सफर का इरादा फरमाया, आप घोड़े पर भी सवार हो गए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊन पर सवार हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौड़ते हुए आए और उस ऊन की नकील को पकड़ लिया, कहा, चचा जान आप मुझे अपने साथ लेकर जाइए, मैं आपके साथ आना चाहता हूं, न मेरा बाप है न मेरी माँ है न मेरा दादा है, आप कैसे मुझे यहाँ तन्हा छोड़कर चले जाएंगे, मैं यहाँ तन्हा नहीं रह सकता, आप मुझे अपने साथ लेकर जाइए। हजरत अबू तालिब अपने भतीजे की बात को इनकार नहीं कर सके, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सामने बिठा लिया, अपने सामने बिठा लिया और बिठाने के बाद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफर शुरू हुआ। जब मुल्क शाम जाने से पहले पहले काफिले वालों की ये रिवायत थी,
कि इसलिए कि ये बड़ा तवील सफर था, तो इस तवील सफर को जाने से पहले पहले रास्ते में बसरा में एक जगह कियाम करते थे कि वहां ताकि आराम कर लें, सो जाएं। तो इस घर से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये काफिला उस बसरा के उस राहिब के इबादतगाह के करीब पहुंच रहा था। तो उस राहिब का नाम रिवायतों में लिखा गया है और तारीख की किताबों में लिखा गया है कि बहीरा था। वो कभी अपनी इबादतगाह से बाहर नहीं आता था, हमेशा अपनी इबादतगाह में मसरूफ रहता था। अब वो क्या देखता है कि एक वक्त बाहर आया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो काफिला आ रहा है जिसमें हजरत अबू तालिब भी हैं, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। आपको मालूम होगा कि मक्के की जो धूप होती है बड़ी तेज धूप होती है, ऐसी नहीं कि हम जहां रहते हैं जिस शहर में रहते हैं यहां इतनी तेज धूप हुआ ही नहीं करती। जो हजरात हज के लिए या उमरे के लिए चल चलाती धूप में मक्कतुल मुकर्रमा में पहुंचे हों वो भी जानते हैं, उन्होंने देखा होगा कि कितनी तेज धूप बरसती है। इतनी तेज धूप थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे थे। वो राहिब कहता है कि मैं देख रहा था कि एक हसीन वो जमील नौकीज लड़का तशरीफ ला रहा था और एक बादल उस नौखीज हसीन व जमील लड़के पर साया फिगन था। और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ते गए और एक दरख्त के नीचे पूरे काफिले वाले ठहर गए और अपना डेरा डाल दिया। राहिब जिसका नाम नामी बहीरा था तो वह कहते हैं कि मैं क्या देखता हूं कि उस दरख्त के नीचे पूरे काफिले वाले लोग बैठ गए। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस दरख्त के नीचे जगह नहीं मिली, इसलिए कि पूरे बड़े बड़े लोग थे उस दरख्त के नीचे बैठ गए। अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौकीज लड़के थे तो अब वो दरख्त से बाहर आप आराम फरमाने लगे। तो राहिब कहते हैं कि मैं क्या देखता हूं कि वो दरख्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुककर साया दे रहा है। अल्लाहु अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झुककर साया दे रहा है। अब उस राहिब को यकीन हो गया कि जिस नबी आखिरुज़्ज़मा की, इसलिए कि ये ईसाई था, इंजील में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बशारत दी है और जो जो निशानियां बयान की गई हैं वो नबी आखिरुज़्ज़मा यही हैं, इसे यकीन हो गया। लेकिन करीब से देखना चाहता था इसलिए काफिले वालों के पास पहुंचा और पहुंचकर कहने लगा, मेरी ख्वाहिश ये है कि आज रात हमारे इबादतगाह में आप तशरीफ लाएं, हम आपके लिए खाने का इंतजाम करना चाहते हैं, दावत करना चाहते हैं। काफिले वालों ने मान लिया कि जी हां अच्छी बात है, आप तशरीफ लाए, हम तशरीफ लाएंगे और आपकी दावत को हम कबूल करते हैं। हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि मैं पूरे काफिले वालों को लेकर उस राहिब के पास पहुंचा और जाते हुए हम ये सोचने लगे कि हम कई सफर यहां से किए हैं, मक्के से निकलकर शाम की तरफ सफर किया है और कई मर्तबा इस राहिब के करीब में हमने डेरा भी डाला है, कभी हमने इसको बाहर आते हुए देखा भी नहीं और न कभी हमको दावत के लिए इसने बुलाया तक नहीं। आज क्या बात है कि एक खुसूसियत के साथ दावत देने के लिए खुद निकल आया और हमको दावत देकर गया है। पर ये सोचते हुए उस राहिब की इबादतगाह में पहुंचे। अब हजरत अबू तालिब और आपके काफिले वाले बैठ गए। राहिब कहने लगा, क्या आपके काफिले वाले तमाम आ गए या कोई और रह गया है? हजरत अबू तालिब ने कहा कि सब के सब तो आ गए हैं लेकिन हमारा एक नौजवान लड़का, नौखीज लड़का, हमारे साजो सामान के पास बिठा के आए हैं ताकि वो साजो सामान की हिफाजत करें। राहिब ने कहा, अरे क्यों छोड़कर आए हो,
मैंने तो उसी के लिए तो ये दावत रखी है, उसे सबसे पहले यहां लेकर आओ। तो हजरत अबू तालिब फरमाते हैं कि मैं गया और हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस राहिब की इबादत गाह में पहुंचा। अब राहिब के साथ जो सवाल और जवाब हुए और फिर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या जवाबात दिए गए, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह हमें जिंदा रखे, हमें बाकी रखे, तो आइंदा जुमा अर्ज करूंगा। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस्वे हसना को सुनकर और आपकी मोहब्बत को हमारे दिल में कूट कूट कर भर दे और आपकी सुन्नतों पर हमको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मोहतरम हाजिरीन इकराम, आप सब इस बात से वाकिफ हैं, इस बात को जानते हैं कि जामे मस्जिद के इस छत के नीचे लड़कों के लिए हिफ्स का भी इंतजाम है, लड़कियों के लिए हिफ्स का भी इंतजाम है, लड़कों के लिए शोबे आलमियत का भी इंतजाम है, लड़कियों के लिए 2 साल कोर्स यहां पे रखा गया है, ताकि जैसे लड़के दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं बराबरी में लड़कियां भी दीनी तालीम हासिल करें। आपको मालूम है हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहीन तरीन तालिबा, जो दरसगाह नबूवत की जहीन तरीन तालिबा थी, वो हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा थी। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक्दस से बेपना इल्म हासिल किया और आपसे बराबर सीखती रही। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन फरमाते हैं कि जब हमको किसी मसले में कोई परेशानी लाहक हो जाती थी तो हम सीधा आयशा की खिदमत में पहुंचते और पहुंचकर उस मसले का हल निकाल ले आते थे। हज़रत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्महातुल मोमिनीन हैं, तमाम मोमिनीन की माँ हैं, जिन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीख कर ये बता दिया कि लड़कियों को भी चाहिए कि वो भी तालीम हासिल करें, तालीम हासिल करने से पीछे न रह जाएं। इसलिए जामे मस्जिद ट्रस्ट ने और हजरत मौलाना रियाजुर रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात का इरादा किया कि लड़कियों के लिए भी हिफ्स का इंतजाम किया जाए ताकि वो भी कुरान मजीद की हिफ्स की दौलत से आरास्ता हो पैरास्ता हो सके। आप अगर अपनी बच्चियों को हाफिजा बनाना चाहते हैं तो बगैर किसी तजब्जुब में पढ़े, आप अपनी बच्चियों को यहां भेजें, हाफिजा बनाएं, कुरान मजीद को याद करने वाली हो जाएं, तो उनके दिल में नूर आएगा। और अगर वो बच्चियां आपकी हैं और दीनी तालीम हासिल करना चाहते हैं, अरबी सीखना चाहते हैं, कुरान मजीद को समझकर पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यहां 2 साल कोर्स हमने खोल के रखा है। जामे मस्जिद ट्रस्ट ने पूरे पर्दे के साथ लाइब्रेरी वाले ऊपर के हाल में इंतजाम किया है जहां कोई मर्द नहीं जाता। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप अपनी बच्चियों को यहां पर्दे के साथ दीनी तालीम हासिल करने के लिए भेजें ताकि वो दीनी तालीम से आरास्ता हों, अपने घरों को संभाल सकें और घरों के अंदर भी दीनदारी आए। इसलिए कि माँ ही पहली दरसगाह होती है अपने बच्चे की। अगर माँ सीख गई तो बच्चा भी परवरिश पाते हुए बहुत सारी चीजों को सीख जाएगा। अगर माँ ही परवरिश नहीं पाई हो, माँ ही दीनी तालीम न सीखी हो, तो अपने बच्चों की कैसे परवरिश करेगी। बाप तो हमेशा तिजारत की गर्ज से और मेहनत करने की गर्ज से बाहर रहते हैं, तो इसलिए पूरी जिम्मेदारी माओं पे आती है बच्चों की परवरिश की। तो माओं का सीखना बेहद जरूरी होता है। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि जरूर अपनी बच्चियों को दीनी तालीम हासिल करने के लिए जामे उलूम को भेजें और अपनी बच्चियों का दाखिला करवाएं। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला आप हजरात के तआवुन को कबूल फरमाए। जिस खुलूस के साथ और जिस जज्बे के साथ और जिस मोहब्बत के साथ आप जामे उलूम की तरक्की के लिए हमारे शाना बशाना साथ दे रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला इसको कबूल फरमाए और इस इदारे को ताकाम कियामत जारी व सारी फरमाए। बगैर किसी रुकावट के इस इदारा चलता रहे, तरक्की करता रहे और यहाँ दीनी यूनिवर्सिटी भी बने, दुनियावी यूनिवर्सिटी भी बने, दोनों तालीम का ये मरकज बने। अल्लाह तबारक व ताला इसका इंतजाम फरमाए। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व ताला हम में से जो बीमार हैं उन्हें शिफाए आजिला कामिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमाए और हमारे वो भाई जिनके रिश्तेदार
दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, उन तमाम मरहूमीन की भरपूर मगफिरत फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।